ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आज आप सोच रहे होंगे सर गाना सुनाएंगे क्या। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में आपके साथ ऐसा ही होने वाला है और आप भी यही कहोगे, भाई ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। वीडियो पूरी देखिएगा, काफी सारी चीजें अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन चीजों से मुझे प्रॉब्लम हुई लाइफ में, आगे प्रॉब्लम हो रही है इस समय, उस तरह की प्रॉब्लम से आपको ना गुजरना पड़े। मेन बात क्या आती है कि हम लोगों ने कोई एक चीज पढ़ाई जाती है कि हमारी जिंदगी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। तीन पार्ट वो कौन कौन से हैं भाई? बचपना है, जवानी है और बुढ़ापा है। तीन पार्ट है, और हम इन तीन पार्ट में बचपना हम कब से कब तक का अपना मानते हैं, है ना? ये भी तो डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग अपना बचपना भाई 20 तक मान लेते हैं, कुछ लोग अपना बचपना 25 तक मान लेते हैं, कुछ लोग अपने को 15 पे ही जवान मान लेते हैं, कुछ लोग अपने को 25 से 30 में ही बूढ़ा मान लेते हैं। तो बात यह होती है कि आदमी किस एज पर अपने को ये डिफाइन कर सकता है कि ये उसका बचपना है, ये उसका उसकी जवानी है, या फिर ये उसका बुढ़ापा है। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो जिंदगी के केवल दो ही पार्ट हैं। एक जिंदगी के, अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम अपने एज के बारे में काउंट करें तो हम मान लो मैक्सिमम हम जिएंगे तो 60 साल। इन 60 सालों में हमको जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि भाई हम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, और 25 अपने लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा नाम आने वाली कुछ पीढ़ियों तक गिना जाए। तो इसके लिए हमारी जिंदगी जो है ना वो केवल दो पार्ट में डिवाइड है, 30 साल इधर का 30 साल उधर का। आप ये कह सकते हो जो 30 साल है इधर, ठीक है, यानी 30 साल पहले 1 से 30 का एज, फिर 31 से 60 का एज। इन दो एजेस हैं हमारे पास। पहले का जो 1 से 30 का एज है वो तो है हमारे मेहनत करने का, यानी हमको अपने सपने, हम अपने सपने कैसे पूरा कर सकते हैं, इनको अचीव करने का जितनी भी मेहनत कर सकते हो वो आपको 1 से 30, यानी आप सोचोगे कि क्या सर पैदा होते ही आदमी मेहनत शुरू कर दे, नहीं, पैदा होते ही तो कोई मेहनत कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी क्लास 8 तक पहुंच गए हो, यानी अपनी जिंदगी के 12 से 14-15 साल, ठीक है, 12 या 14 तक के बच्चे होंगे यहां पर, तो उनको अब ये समझ में आ गया होगा कि इन फ्यूचर उनको क्या करना है, उनको किस सेक्टर में जाना है। अपना अपना एम डिसाइड हो गया होगा कि भाई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस पीसीएस बनना है, तो ये सारी चीजें डिसाइड हो गई होंगी। लेकिन अगर जो चीजें डिसाइड की हो उनके बारे में ये भी जानना है कि वो बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। अब भाई कितनी मेहनत करनी होगी ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप उन चीजों के बारे में जानोगे कि एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक डीएम एसडीएम आईएएस पीसीएस के रैंक का ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, कितनी पढ़ाई करनी होगी, ये सारी चीज जानोगे। मेन चीज प्रॉब्लम ये होती है कि आज के टाइम का जो यूथ है वो अपना ज्यादातर टाइम बर्बाद कर रहा है मोबाइल का मिसयूज करके। मोबाइल का मिसयूज, हर काम उसको करने हैं, उसको खेलना भी है, उसको पढ़ना भी है, उसको मोबाइल भी देखना है, ठीक है, और घर के जो वगैरह काम है ये भी करने हैं। तो एक चीज ये जान लो कि मोबाइल में जितना टाइम वेस्ट करते हो ना, ये रील्स वगैरह जो कुछ भी देखते हो, ये केवल आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। क्योंकि अगर आप मोबाइल उठाते हो कि लो हम 10 मिनट मोबाइल देखेंगे, और आप अगर रील्स पर पहुंच गए तो वो 10 मिनट आपके 1 घंटे से ज्यादा का टाइम बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहला काम करो कि इन चीजों को तो किनारे ही रखो, क्योंकि जो चीजें आपके कैरियर में रुकावट बने उनको पहले से ही हटाए रहो, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक बात ये याद रख लेना कि शुरू के जो 30 साल हैं ये, अभी शुरू के अगर मैं अपना बचपना बताऊं तो मेरे बचपन में मैं हर स्टूडेंट को, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी ये कहानी जरूर सुनाता हूं कि भाई जो शुरू के 30 साल थे मेरे, शुरू में मैंने घर में बहुत अच्छा, मतलब घर का राज दुलारा बेटा बनकर, कि अगर मम्मी अगर बाहर है तो भाई चलो बर्तन भी धुल देते हैं, कपड़े भी धुल देते हैं, घर की साफ सफाई भी कर देते, सब कुछ, हर जगह पर तारीफ भी होती थी कि भाई हमारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। चलो ठीक है, वो 30 साल 25 साल 30 साल बहुत अच्छे बीते, बहुत तारीफ में बीते। उसमें पढ़ाई में या तो को पढ़ाई में लापरवाही की, या फिर मेरा एम ही नहीं डिसाइड था कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है।
लेकिन काफी सारी चीजें थी कि पढ़ाई के लिए ईमानदारी, वो रोज का टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना सब कुछ था, लेकिन बस एक चीज था कि एम नहीं था। और उस एम के चक्कर में जो मुझे अचीव करना चाहिए था मैं किसी चीज को नहीं अचीव कर पाया, कई चीजों पर भटकता, कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी एमबीए करूंगा, कभी टीचर बनूंगा, सारी चीजें, मतलब वो एम डिसाइड नहीं हो पा रहा था। और शुरू के मैंने इस चक्कर में 30 साल अपने बर्बाद कर दिए। अब ये जो मेरा दूसरा स्टेज चल रहा ना, दूसरे 30 साल का, पहले 30 साल में जितनी भी तारीफें सुनी उसका जस्ट अपोजिट इस 30 साल में सुनने को मिल रहा है। कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, इतना पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद हो गया, रिश्तेदार ताने मारेंगे, ठीक है, घर वाले ताने मारेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये दूसरा सेकंड थर्ड हाफ चल रहा है इसमें हो चुका है बहुत ही लेट। अब काफी चीजें अब अचीव करने का मतलब ये होगा कि अभी मौके हैं, ऐसा नहीं कि अब मौका नहीं है, अभी भी मौके हैं, अचीव करना चाहे तो आदमी अचीव कर सकता है, लेकिन उन 30 के बाद जिम्मेदारियों का बोझ, इतना ज्यादा प्रेशर और टेंशन सब कुछ होते हुए एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता जो बच्चा अब आदमी बन चुका है, ठीक है, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना वो फर्स्ट हाफ जो है, यानी 1 से 30 साल तक का जो आपका टाइम मिला है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से करो, पढ़ाई वगैरह क्या चीजें आपको बनना है उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल क्रिएट करो, सारी चीजें एनसीईआरटी वगैरह जो भी है, एनसीईआरटी बहुत ही डीपली पढ़ो, क्योंकि मैं जितने भी आईएएस पीसीएस के जो भी इंटरव्यूज देखता हूं उसमें यही बताते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी अभी से ही क्यों ना पढ़ लिया जाए। ये हम लोगों को अगर बाद में पढ़ना है तो हम अभी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में जब होगा जो वो हमारा जब एग्जाम का पीरियड आएगा उस समय हमारा चलेगा रिवीजन पीरियड, तो भैया अभी से ही टाइम था। बस इतनी सी बात थी कि लाइफ का एक भी पल बर्बाद नहीं करो, अभी से ही पढ़ाई करो, जो भी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करो, हर चीज टाइम से करो, ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 4 घंटा खेल लो, किसी दिन आप 8 घंटा खेल लो, किसी दिन आप 10 घंटा खेल लो, किसी दिन आप आधे घंटे पढ़ाई कर लो, किसी दिन 4 घंटे पढ़ाई कर लो, किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई करो, ये चीज बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। हर चीजों का एक फिक्स टाइम रखो, सारी चीजें टाइम टेबल के हिसाब से चलो, डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर अभी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर लो उस एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज है कि भैया उसका सिलेबस पता कर लो और सबका टाइम टेबल के हिसाब से सबका दिन डिवाइड कर लो कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज अभी क्लियर डाउट क्लियर करने हैं, कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें अभी से डिसाइड कर लो। अगर आपका टाइम टेबल बन गया है तो बहुत अच्छा है आपके टाइम के हिसाब से, अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक परफेक्ट टाइम टेबल जैसा कि मैं हर साल बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, तो इस साल आपके लिए भी एक टाइम टेबल प्रोवाइड होगा, क्योंकि हर एग्जाम के ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम टेबल अलग अलग होता है। जैसे अभी जून चल रहा है तो फरवरी में एग्जाम होगा तो जून टू फरवरी का टाइम टेबल अलग होगा, जुलाई सितंबर में अगर हम पहुंचेंगे तो सितंबर से फरवरी तक का टाइम टेबल अलग होगा, अगर हम और आगे चले जाते हैं अक्टूबर नवंबर में चले जाते हैं तो नवंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम टेबल अलग होगा। तो सबके लिए टाइम टेबल हमें रेगुलरली बदलना पड़ता है, लेकिन जो शुरू से टाइम टेबल लेकर चल रहे हो ना वो फरवरी तक नहीं बदलेगा, यह आपके एग्जाम तक का टाइम टेबल चलेगा। तो जिन लोगों ने टाइम टेबल बना लिया भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, और जिनका टाइम टेबल अभी नहीं बना है वो भी बता देंगे, एक परफेक्ट टाइम टेबल आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, अगर अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग जवान नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 की क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, साथ ही साथ एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज सुबह 7 बजे एनसीईआरटी की क्लास, शाम 7 बजे नवोदय की क्लास लाइव होती है, तो जरूर अटेंड करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।